तो टैन इनवर्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 के 4, 5, 6 देखे, अभी अपन 7, 8, 9 देखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे और पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्कुल 6 के तरह है। तो इसमें क्या बोल रहा है, टैन इनवर्स ब्रैकेट में ए प्लस बी टैन एक्स अपॉन में बी माइनस ए टैन एक्स है। तो सबसे पहले लेट वाई इक्वल टू टैन इनवर्स ब्रैकेट में ए प्लस बी टैन एक्स बी माइनस ए टैन एक्स एज इट इज लिखेंगे। तो सबसे रूल, टैन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, तो ए प्लस बी वन माइनस ए बी इस फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले वन करना है, डिनोमिनेटर में जो बी है उसके जगह वन लाना है। तो बी को वन करने के लिए आपको ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बी से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाय बी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल होने टैन एक्स बचेगा, बी बाय बी वन हो जाएगा और ए बाय बी टैन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। अब ये ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में आ गया, ए बाय टैन इनवर्स ए प्लस बी वन माइनस ए बी उस फॉर्म में आ गया। ए का काम ए बाय बी कर रहा है, बी का काम टैन एक्स कर रहा है, तो टैन इनवर्स ए बाय बी को भी जाएगा, टैन इनवर्स टैन एक्स को भी जाएगा। तो टैन इनवर्स ए बाय बी एज इट इज होगा और टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट एक्स बचेगा। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा, तो वाई का डिफरेंशिएशन डीवाई बाय डीएक्स हो जाएगा और टैन इनवर्स ए बाय बी का डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो वन आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, 7 क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो अच्छे से। तो 8 क्वेश्चन बोल रहा है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स अपॉन में 6x² - 5x - 3 बोल रहा है। अब बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। आप देखोगे y इक्वल टू टेन इनवर्स ऊपर 5 माइनस एक्स है, नीचे में एक एक्सप्रेशन है, मतलब जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अभी तक के जो क्वेश्चन था तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, यहाँ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहला रूल तो आपको मैंने बताया कि वन होना जरूरी है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में वन लाना है। तो क्या करोगे, जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है -3 उसको आगे लिखोगे, फिर -5x को लिखो प्लस 6x² को लिखो। तो -3 तो उसकी जगह मेरे को कॉन्स्टेंट चाहिए, वन चाहिए, तो मैंने वन बिंदास लिख दिया वहाँ पे। तो वन ज़्यादा का हुआ तो बाद में -1 लिखना पड़ेगा और पहले का -3, तो -1 और -3 -4 हो जाएगा। फिर से रिपीट करो, वहाँ -3 था, मैंने उसकी जगह वन लिखा तो वन क्या हुआ, मैंने +1 लिखा, तो मैंने +1 ज़्यादा को तो बाजू में -1 लिखना पड़ेगा, तो -1 और पहले का -3 -4, अब बाकी -5x एज इट इज प्लस 6x² एज इट इज हो जाएगा, ओके। अब क्या करोगे कि 1 हो गया ना, अब 6x² को आगे लिख दो, -5x को आगे लिखो और -4 को पीछे लिख दो, ठीक है। अब क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टर गिराओ, तो इसके फैक्टर निकालो, तो क्या होगा, 6 जो है -4 को मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो 6 4 जो -24 होगा। अब -24 के ऐसे पार्ट गिराओ जिसका -24 है, माइनस है, तो उसका जो फैक्टर गिरेंगे उनका सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -5x आना चाहिए। तो 8 3 24, 8 में से 3 तो 5 बचते थे, ओके, लेकिन बड़े वाले का साइन निगेटिव रहेगा क्योंकि वो एक्स का कोपेशन जो -5 है वो निगेटिव है, तो 8 का साइन निगेटिव रहेगा और 3 का पॉजिटिव रहेगा। तो -5x की जगह इनको लिख दो, तो -8x और +3x, देखो मैंने नीचे लिखा हूँ, 6x² -8x +3x -4 लिख दिया मैंने, तो हमको 4 टर्म मिलेगी। तो जो दो टर्म है 6x² और -8x, उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, तो 6x² -8x में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो 2x कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, 32 आ, तो 3x बचेगा और 2 4 8, तो -4 बचेगा वहाँ पे। और आगे में जो 3x - 4 है उसमें से ओनली कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो +1 कॉमन निकलेगा, तो +1 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में कुछ नहीं आने, क्या बचेगा, 3x - 4 बचेगा। अब 3x - 4 फिर से कॉमन निकल रहा है क्योंकि वो रिपीट टर्म है दोनों, इसमें 3x - 4 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा ब्रैकेट में क्या, 2x + 1 बचेगा, ओके। तो ये जो 3x - 4 2x + 1 ये दो फैक्टर हो गए और दोनों के बीच में इनटू है, तो नीचे में क्या है, प्लस है, तो इन दोनों का माइनस 100% ऊपर में न्यूमिनेटर में 5 - x आएगा। बस सवाल उठता है कि 3x - 4
थ्री एक्स माइनस फोर में से टू एक्स प्लस वन को माइनस करेंगे या टू एक्स प्लस वन में से थ्री एक्स माइनस फोर को माइनस करेंगे, तो वो डिसाइड करेगा ऊपर वाला जो x है वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव है तो x नेगेटिव कब आएगा, तो तीन एक्स में से दो एक्स गया तो पॉजिटिव x आता है, तो दो एक्स में से तीन एक्स आएगा तब नेगेटिव x आएगा। तो आपको टू एक्स प्लस वन को आगे लिखना है और थ्री एक्स माइनस फोर को पीछे लिखना है माइनस ऊपर में। तो आप जब उसको सॉल्व करोगे ऊपर वाला टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स माइनस फोर उसको सॉल्व करोगे तो 100% फाइव माइनस एक्स आ जाएगा। तो आप लोग देखो टैन इनवर्स के अंदर कैसा एक्सप्रेशन बना, ए माइनस बी वन प्लस ए बी, हमको ऐसे ही फॉर्म में तो एक्सप्रेशन लाना था। तो इस बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पहले इक्वेशन जैसा का वैसा लिखोगे, फिर कांस्टेंट के टर्म को आगे लिखोगे, फिर कांस्टेंट की जगह वन लाने की कोशिश करोगे, फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसके आप फैक्टर गिराओगे तो आपके ऐसे दो फैक्टर गिरेंगे, फिर दो फैक्टर का इनटू तो ऊपर 100 वहाँ पे प्लस है तो ऊपर 100% माइनस आएगा। तो माइनस में कौन आगे कौन पीछे वो कौन डिसाइड करेगा, तो ऊपर में ऊपर फाइव माइनस एक्स वो डिसाइड करेगा। तो आप एक बार अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार क्या करना, थ्री एक्स माइनस फोर में से माइनस करना, अगर फाइव माइनस एक्स आता है तो थ्री एक्स माइनस फोर को आगे लिखना ओके, लेकिन थ्री एक्स माइनस फोर में से माइनस करोगे तो फाइव माइनस एक्स नहीं आता, पॉजिटिव एक्स आता है उसमें, लेकिन टू एक्स प्लस वन में से थ्री एक्स माइनस फोर माइनस करोगे तो फाइव माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन को भी जाएगा, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर को भी जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो ओके, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। अब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय वन प्लस जो भी रहता है उसका स्क्वायर, तो टू एक्स प्लस वन है तो उसका स्क्वायर होगा और दोबारा डेरिवेटिव किसका होगा, टू एक्स प्लस वन का होगा। फिर माइनस एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाय वन प्लस थ्री एक्स माइनस फोर का स्क्वायर होगा और दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, थ्री एक्स माइनस फोर का होगा। तो ये वन बाय वन प्लस टू एक्स प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, बाद में टू एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू कॉमन एक्स का वन और कॉन्स्टेंट का जीरो बल्कि तो टू हो जाएगा, माइनस वन बाय वन प्लस थ्री एक्स माइनस फोर उसका स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, थ्री एक्स माइनस फोर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो थ्री कॉमन निकलेगा, एक्स का वन होगा और फोर का क्या होगा, जीरो होगा। तो फाइनल जो आंसर आपका आएगा तो टू वन जा टू अपॉन में वन प्लस टू एक्स प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर, थ्री वन जा थ्री अपॉन में वन प्लस थ्री एक्स माइनस फोर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है लास्ट के आंसर में, वहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको होमवर्क रहेगा, सेम इसकी जैसा क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स है तो उसको पहले सबसे पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, तो टेन इनवर्स करोगे तो थ्री एक्स प्लस टू ऊपर जाएगा, फोर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस को नीचे आएगा। फिर आपको मैंने बोला था फोर है तो उसको पहले वन करोगे, वन के फॉर्म में लिखोगे तो वन लिखोगे तो फोर को वन, तो बाजू में प्लस प्लस मतलब आपने वन लिखे तो बाजू में माइनस वन लिखना पड़ेगा और फोर में से माइनस वन के तो थ्री बचेगा, प्लस थ्री बचेगा। फिर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा लेकिन माइनस कॉमन निकलेगा, इस बार माइनस कॉमन निकलेगा तो साइन चेंज हो गया। जो क्वेश्चन नंबर नाइन है थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करना, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि नहीं बना करके, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है ओके।